सालगिरह है आपकी, जलवा है आपका। वो कहते हैं कि सालगिरह है आपकी, जलवा है आपका, ये कुक है आपका, ये हलवा भी है आपका। वाह 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 वाह, कितनी बकवास शायरी बोली, लेकिन हलवा बहुत उम्दा बना है, आपको बहुत पसंद आएगा होने वाली दादी जी। हलवा मेरे लिए? नहीं नहीं मुझे वनराज की मूंछों पे बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए उसके लिए बनाया आज। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। अब तुमने इतना हलवा केक खिलाया, मैंने सोचा मेरे हाथ का हलवा बना के खिलाता हूं। एक मिनट। टटना तुम ठीक हो ना? वो डर लग रहा है। क्या हुआ? अगर अनुपमा तेरे पास होती तो तेरे पास माँ होती। ये प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। बहुत 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 डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, but everything is gonna be all right. किंचल को, तोसु को, मेरे परिवार को अब पहले से भी ज्यादा मेरी जरूरत पड़ेगी। बादाम खाया? हाँ मम्मी, फ्रूट्स भी खाए। अच्छा अच्छा, सुन, फ्रूट में पपीता नहीं खाना? पपीता? पर इंटरनेट तो कह रहा था कि आप पपीता खा सकते हो। तीन बच्चे इंटरनेट ने पैदा किए हैं कि मैंने? आपने। तो फिर पपीता खाएगी कि नहीं खाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। अच्छा सुन, तूने तोसु से बात की? नहीं मम्मी, बात करने जाऊंगी तो झगड़ा ही होगा, इसलिए चुप। दिल छोटा मत कर। देख, थोड़ा समय लगेगा लेकिन तोसु ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ ना उसे। तू बस अपने खाने पीने का ध्यान रख, अपनी सेहत का ख्याल रख। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अनुज जी होंगे। चलिए मम्मी, मैं रखती हूँ फोन। ओके। अरे जाइए ना मम्मी, ऐसे सच्चे प्यार को ना वेट कराना नहीं चाहिए, पाप चढ़ जाता है। खिंजुड़ी, चुप कर। बाय मम्मी, लव यू। नहीं मिलेगा। कैसे पड़ोसी हैं आप, रोज कुछ ना कुछ मांगने चले आते। जो मांग रहा हूं वो तो मिल नहीं रहा, तो सोचा दही शक्कर से ही काम चला लो। I am really sorry अनु, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें सुना नहीं रहा था। I am sorry। नहीं नहीं, मैं सॉरी, पहले आपको उम्मीद थी और फिर तोड़ भी थी। ऐसी बात नहीं अनु, उल्टा मैं ही पागल हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ। नहीं नहीं, I'm sorry। मैं सॉरी। अच्छा, पूछोगी नहीं कि दही क्यों चाहिए? और दही जमाने के लिए? अरे नहीं 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 नहीं, और दही जमाने के लिए नहीं, बल्कि दही शक्कर तुम्हारे हाथ से खाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मोहतरमा, और अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना काम शुरू कर ही दूं। सच? सुबह सुबह झूठ थोड़ी बोलूंगा। लगता है ये शादी इसीलिए डिले हुई होगी ताकि मैं अपना काम
दोबारा सेटअप कर सकूं। वो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे ना, आपको सफलता मिलेगी पक्का। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अच्छा अब जल्दी से दही शक्कर खिला दो वरना लेट हो जाऊंगा। हाँ, अभी जाइए। लवली, तुम्हें पता ना, तुम्हारे हाथ से दही शक्कर खाने जैसी घरेलू चीजें भी मुझे बड़ी रोमांटिक लगती हैं। तुम्हें कैसी लगती हैं? कुछ मांगो। बंदा तुम्हारे सामने है, तुम कहो तो जान दे दूं। क्या हो गया तुम्हें? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाग्य इतना अच्छा हो सकता है कि कोई मुझसे इतना प्यार करेगा। यही ना? जानना चाहती हो कितना? नहीं बता पाऊंगा। मैं पूरी जिंदगी भी बोलता रहूं तो नहीं बता पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इस दुनिया की हर भाषा का हर शब्द भी अगर मैं दो बार लिख दूं तब भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि तुमसे कितना प्यार करता हूं। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वादा चाहिए। कैसा वादा? कि आप फिर से वही अनुज कपाड़िया बनेंगे। मैं जानती हूं आप किसी भी बात को हार या जीत की तरह जुमे नहीं तोलते, पर दुनिया तोलती है। और अगर दुनिया ने कभी गलती से भी कह दिया कि आप हारे हुए, तो कान्हा जी की सौगंध में पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। एक बार फिर इस दुनिया को जीत लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। हर उस आदमी के लिए जिसे ठोकर लगी है और जो संभल नहीं पाया, दिखा दीजिए इस दुनिया को कि एक ठोकर लगने का मतलब सफर खत्म होना नहीं होता। एक बार खेल छोड़कर खुद हट जाने का मतलब खेल हारना नहीं होता। एक बार रुक जाने का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता। राजा सिंहासन के बिना भी राजा ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके सिंहासन पर देखना चाहती हूं। वो जगह आपकी थी, आपकी है और आप ही की रहेगी। आपकी जगह मैं किसी भी और को नहीं देख सकती। दुनिया को लगता है कि आगे बस वही बढ़ सकता है जो झूठा हो, जो छल कपट करे, पर आप दुनिया को दिखा दीजिए कि सबसे अच्छा इंसान, सबसे सच्चा इंसान भी सबसे आगे जा सकता है। कहिए, आप फिर से वही अनुज कपाड़िया बनेंगे? अब तो इस कोशिश में मैं अपनी जान लगा दूंगा।